Hello students, today we will discuss our next poem, that is A Tiger in the Zoo, and it is written by Leslie Norris. And the students, you can see that the name is there, A Tiger in the Zoo. That means we can just guess ki the poem is about a tiger who is living in the zoo in a cage. But side by side, the poet also compares the tiger in the zoo with a tiger who is living in its natural habitat, that is in the forest. So let's start. The first paragraph is there. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So here I have also written difficult meanings. So first of all, the meaning of stalk is there, move quietly. Pads, that means paws, jo tiger ke panje hain. Vivid means deep bright colored stripes jo uski hain. Aur vivid stripes is written here, so that means jo bahut deep aur bright color ki jo uski stripes hain, that is talked about here. So here he jaise ki maine underline kiya hai, isko bold mein likha hai, so that means the tiger here is personified. So yahan pe jo literary device, jo poetic device use hui hai, ek to hai ki personification, कि जो टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, अदरवाइज वी यूज इट फॉर एनिमल्स, बट यहाँ पे इसको ही लिखा है, दैट मीन्स इट इज पर्सोनिफाइड. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक दैट इट इज रिटन मूव क्वाइटली. सो जो टाइगर है उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो केज में कैसे रह रहा है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. सो जो पॉइंट हमारा जू में रह रहा है, एक केज के अंदर है, जो उसके पास ऑब्वियसली अगर केज में है तो उसके पास बहुत थोड़ी सी जगह है मूव करने के लिए. तो हियर एक टाइगर जिसकी विविड स्ट्राइप्स हैं, डार्क और ब्राइट कलर के, जिसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, ही मूव्स और टेक्स अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज एंड ही मूव्स वेरी साइलेंटली. That means he doesn't make any noise while moving because it's pads of velvet quiet. On pads of velvet quiet, that means जो उसके paws हैं, जो उसके पंजे हैं, उसको velvet के साथ compare किया गया है, उसको directly velvety quiet बोल दिया गया है कि जो उसके पंजे हैं वो velvet की तरह हैं. And in his quiet rage, rage means anger and quiet means शांति. So here these two are opposite words, opposite adjectives used here collectively. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक टाइगर है वो अपने वेलवेटी सॉफ्ट पॉज के साथ, बहुत ही सॉफ्ट पॉज के साथ, बिना आवाज किए, बिल्कुल क्वाइटली, बट अंदर से गुस्से से भरा हुआ, बहुत थोड़े से स्टेप्स ले पाता है अपने केज के अंदर. दैट मीन्स ही मूव्स वेरी क्वाइटली विद रेज इनसाइड इट एंड ही मूव्स क्वाइटली एंड डजंट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज विद हिज पॉज. एंड हियर यू कैन सी ऑफ वेलवेट इज ऑल्सो अंडरलाइंड एज वेल एज क्वाइट रेज इज ऑल्सो अंडरलाइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब कि ऑफ वेलवेट की, और यहाँ पे बोला गया जो उसके पंजे हैं वो वेलवेटी सॉफ्ट हैं, वेलवेटी क्वाइट हैं. जैसे वेलवेट का जो क्लोथ होता है, फैब्रिक होता है, उसकी आवाज़ नहीं आती और बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत उसको टच करें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इट डजेंट मेक एनी साउंड वाइल टचिंग इट. तो सेम वे उसके जो पॉज हैं उसको वेलवेटी सॉफ्ट बोला गया है, डायरेक्टली उसको वेलवेट बोला गया है, तो दैट मीन्स हियर मेटाफर इज यूज्ड. एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्वाइट रेज. Here two opposite words are used collectively. So here this device is known as oxymoron. Understand? Oxymoron. Quiet means एकदम शांति, rage means बहुत ज़्यादा uncontrolled anger, बहुत ज़्यादा anger. So both are quite opposites. बहुत ही opposite, एकदम opposite words हैं ये दोनों. So these are used collectively. So it is known as oxymoron. Next paragraph is there. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Here lurking means wait somewhere secretly to do something bad or illegal.
कहीं पे छिप के वेट करना, और यहाँ पे बात हो रही है टाइगर की, सो टाइगर के रिगार्डिंग छिप के अपने शिकार की वेट करना। प्लम मीन्स फैट एंड हेल्दी, तो यहाँ पे फैट एंड हेल्दी कौन है? डियर। सो अब पॉइंट इज सेइंग कि एक टाइगर जिसको कि केज में रखा गया है, जिसे जू में रखा गया है, रादर व्हाट शुड बी एक्चुअल प्लेस ऑफ दैट टाइगर, कि उसकी एक्चुअल उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, एक्चुअली उसे कहाँ होना चाहिए। सो पॉइंट इज सेइंग ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, जो टाइगर को केज में रखा गया है एक्चुअली उसे कहीं जंगल में अपने शिकार की वेट करते हुए छिप कर कहीं शेडो में डार्क प्लेस में कहीं उसे बैठे होना चाहिए, जो कि लॉन्ग ग्रास में से स्लाइड करता हुआ नियर द वाटर होल। और कहाँ पे ये बैठा होगा, कहाँ पे बैठा होना चाहिए इसे? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे कोई भी फैट हेल्दी से डियर पानी पीने आते हैं, वहाँ उस वाटर बॉडी के वाटर होल के पास उसे कहीं छिप कर ग्रास में डार्क प्लेस पे उसे बैठे होना चाहिए अपने शिकार की वेट करते हुए। सो इट इज़ द एक्चुअल प्लेस, इट इज़ द एक्चुअल नेचर ऑफ द टाइगर, सो द इट शुड बी देयर ओनली। इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो यू कैन नोटिस दैट ही इज़ यूज्ड हियर अगेन, ही इज़ यूज फॉर पर्सोनिफिकेशन, कि इसमें फिर से टाइगर को जो पर्सोनिफाई किया गया है। एंड सो नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इफ़ यू नोटिस इट केयरफुली, इफ़ यू रीड इट केयरफुली, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर, he should be snarling around the houses. Snarling means make an alarming or the warning sound or roaring. The hearty wish, ये जो alarming sound करता है, that is known as snarling. Again in this paragraph, he is used. तो यहाँ पे भी tiger को personify किया गया है. So he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Fangs means a large sharp tooth, especially a canine tooth of a dog or wolf, but here fangs is used for this lion. कि जो lion के जो तीखे तीखे दांत जैसे कि हमें picture में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, so these are known as fangs. Okay, so baring means showing or exposing, terrorizing means डराते हुए, frightening. सो रादर एक्चुअल प्लेस और जो एक्चुअल नेचर है यहाँ पे टाइगर की, वो यहाँ पे फिर से शो की है पॉइंट ने। ही सेइंग कि अ टाइगर शुड रोर और मेक एन अलार्मिंग साउंड व्हाइल मूविंग अराउंड द हाउसेस दैट आर लोकेटेड एट द एज ऑफ द जंगल, जो जंगल के किनारे घर बने हुए हैं वहाँ पे टाइगर को अलार्मिंग साउंड करते हुए, रोरिंग करते हुए वहाँ पे घूमना चाहिए। एंड ऑल्सो वाइल शोइंग इट्स फैंग्स, इट्स केनाइन टूथ्स एंड हिज क्लॉज एंड टेररिजिंग द विलेज, और साथ साथ में जैसे इसे घूमते हुए विलेजर्स को डराते हुए वहाँ पे उसे अपनी एक्चुअल नेचर शो करनी चाहिए, रोरिंग करनी चाहिए, अलार्मिंग साउंड करनी चाहिए जो जंगल के किनारे घर बने हैं, और अपने फैंग्स और क्लॉज की आवाज़ से, अपने पंचों की आवाज़ से विलेजर्स को डराना चाहिए। शुड बी मीन्स इट शुड बी लाइक चाहिए, तो एक्चुअली जिसे हमने बांध के जू में रख दिया है, केज में रख दिया है, सो इट इज़ नॉट इट्स एक्चुअल प्लेस, रादर द टाइगर शुड बी इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एंड इट शुड नॉट फॉरगेट अबाउट इट्स एक्चुअल नेचर, और जो उसका गुस्सा है, जो उसकी बेसिक नेचर है रोरिंग की, उसे अपने अंदर नहीं दबाना चाहिए, बिकॉज वाइल लिविंग इन अ केज, जो उसका गुस्सा है उसके अंदर ही दबाया जा रहा है। एंड रादर उसे जो जिस काम के लिए जैसे वो है, जो इसकी एक्चुअल नेचर है, लाइक अगर वो प्रे करता है, अपने शिकार को पकड़ता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड चेन, सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ और मेकिंग इको बैलेंस।
So next paragraph is there. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So here again the poet comes back to the lion, or comes back to the tiger who is in the cage or who is in the zoo. He is saying, but he is locked in a concrete cell. But tiger को उसकी natural surrounding से लेके वहाँ पे ना रहते हुए उसे एक concrete cell में बांध दिया गया है, lock कर दिया गया है. And concrete means building material like sand, stones, cement. So it is a cell made of all these things. So the tiger is locked behind this, locked in a concrete cell. His strength behind bars, और उस केज में रहते हुए, इस कंक्रीट सेल में रहते हुए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन बार्स के पीछे ही छिपी रह गई है. ये बार्स मीन्स ये जो सलाखें पिंजरे की आप देख रहे हैं. सो उसकी जो स्ट्रेंथ है इसके पीछे ही छिपी रह जाती है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता है. एंड स्टॉकिंग अगेन, मूविंग क्वाइटली. And he has to just keep on moving quietly in the cage. Length of his cage means जितनी उस केज की लेंथ है उसी में उसे घूमना पड़ता है. And while moving in the cage, he ignores visitors. और वो visitors को भी ignore करता है जो zoo में visit करने आते हैं, tiger को देखने के लिए आते हैं, उनसे उनको भी वो ignore करता है. He doesn't care for those also. अदरवाइज इन एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई इंसान अगर टाइगर के सामने हो तो वो उसके ऊपर दहाड़ता है, रोरिंग करता है, और सामने वाला बंदा भी डर जाता है उसकी रोरिंग से, अगर टाइगर बिना केज के ओपन एनवायरनमेंट में है तो. बट इन द केज वो आराम से लोग उसे देखते हैं. एंड ही इग्नोर्स द टाइगर, इग्नोर्स देम. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हियर्स अ लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes at the brilliant and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So in the last paragraph the poet is saying कि अब बेचारा अपनी हालत पे मजबूर, उसे जैसे केज में रहना पड़ता है टाइगर को. तो he hears the last voice at the night, और नाइट टाइम पे भी जो बेचैन रहता है, और नाइट टाइम पे वो लास्ट वॉइस किसकी सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की जो पेट्रोलिंग के लिए आती हैं थ्रू आउट द जू, जो ये चेक करने के लिए आती हैं कि विदर ऑल द एनिमल्स आर ओके. एंड तो उनकी उन्हीं की पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज़ उसे सुनाई देती है रात को. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और बहुत ही उदासी से बैठा हुआ जो टाइगर है वो आकाश में, वो स्काई में सिर्फ ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकते हुए स्टार्स को देखता है अपनी चमकती हुई आईज के साथ. सो विद दिस आर पोएम इज फिनिश. सो लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस अगेन. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई टोल्ड यू अबाउट ही, जो कि पर्सोनिफिकेशन है, टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है ही यूज करके. अदरवाइज जो लाइन जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं. वेलवेट क्वाइट, उसके जो पॉज हैं, पंजे हैं, उनको वेलवेट बोला गया डायरेक्टली, तो दैट मीन्स हियर मेटाफर इज यूज. इन द नेक्स्ट लाइन क्वाइट रेज, टू अपोजिट्स आर यूज कलेक्टिवली, सो इट इज यूजेज ऑफ ऑक्सीमोरॉन हियर. एंड हियर इन द फर्स्ट लाइन इट इज इन हिज और विविड स्ट्राइप्स, इसमें आई को अंडरलाइन किया गया है. तो इट इज़ द यूसेज ऑफ एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वाउल की यूसेज कहीं भी, चाहे वो वर्ड के स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या एंड में हो, कोई भी जब वाउल साउंड जो है प्रोमिनेंट होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी लाइन में, तो देन द यूज ऑफ एसोनेंस इज सेड. सो वन मोर पोएटिक डिवाइस कैन बी सीन हियर, इट इज ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. इसके बाद आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे कोई भी कॉमा, कोई फुल स्टॉप और कोई भी सेमी कॉलन कुछ भी नहीं है. एंड इन द नेक्स्ट लाइन ओनली द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज यहाँ पे है, तो एक लाइन जो है वो मिसिंग है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. इट इज यूज्ड
So there enjambment technique is used. Enjambment. 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 In the next paragraph also, next stanza में भी आप देख सकते हैं कि second और third line में without punctuation mark है, तो यहाँ पे भी enjambment technique है. And next, यहाँ पे भी first line में मैंने आपको बता दिया था कि he जो है personification का symbol. And here also you can see enjambment because houses के बाद कोई full stop नहीं है, कोई और punctuation mark नहीं है. In the next, यहाँ पे सब में punctuation marks हैं. So with this, our poem is finished. I hope you have well understood it. And thank you and have a nice day.